बीते दिन पहले खत्म हुए विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हुई हैं। अगर एग्जिट पोल की तरफ निगाह डालें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के जरिए मध्य प्रदेश में बीजेपी को 102 से 120 सीटें, कांग्रेस को 104 से 122 सीटें, वहीं अन्य को 1 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। राजस्थान में बीजेपी को 55 से 72 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस को 119 से 141 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, अन्य के खाते में 1 से 8 सीटें। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 21 से 31 सीटें और कांग्रेस को 55 से 65 सीटें, अन्य के हिस्सों में 4 से 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इन तीनों प्रमुख राज्यों के एग्जिट पोल से मिल रहे संकेतों ने सियासी धड़कनें बढ़ा दी हैं। वहीं बात की जाए तेलंगाना की तो तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS के सत्ता में बने रहने के संकेत हैं। मिजोरम में कांग्रेस को शिकस्त मिलने के आसार दिख रहे हैं। ये सभी एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, नतीजे 11 दिसंबर को घोषित होंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सत्ता है और विपक्षी कांग्रेस ने तीनों ही राज्यों में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी है। वहीं 11 दिसंबर को देखने वाली बात यह होगी कि कौन सत्ता पर काबिज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।